एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज। आज मैं आपके साथ में इतने ब्यूटीफुल प्लांट की डिटेल्स शेयर करने जा रही हूँ। इट कैचेस अटेंशन वेयर एवर इट इज प्लेस्ड। ये प्लांट इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, आपको कोई भी आप सोशल मीडिया लेके चलेंगे वहाँ पे जरूर दिखेगा। वो प्लांट है हमारा ये ब्यूटीफुल फिडेलिक फिग, इसको फाइकस लायरेटा भी कहते हैं। एंड लुक एट दिस प्लांट्स ब्यूटीफुल ह्यूज ग्रीन लीव्स, कितनी प्यारी इसकी लीव्स हैं, पूरा इनका वेन सिस्टम दिखाई देता है। दैट्स वाई इट कैचेज अटेंशन वेयर एवर इट इज़ प्लेस्ड। और इसका नाम फिडेलिक फिग इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी लीव्स की शेप एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की शेप की होती है। फिडेल नाम होता है उसका, वायलिन की शेप का होता है वो, तो इसी वजह से इस प्लांट का नाम रखा गया है फिडेलिक फिग। अभी मैं आपको इसी प्लांट की पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ, कहाँ पर ये प्लांट प्लेस करना है आपको, इसका कितनी आपको वाटरिंग करनी है और इसका सॉइल मिक्सचर कैसे रहता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये प्लांट अपने घर में रखते हैं तो आपको बहुत हेल्प। प्लांट्स की और डिटेल शेयर करने से पहले मैं इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ। फिडेलिक फिग इज़ द नेटिव ऑफ रेन फॉरेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका। हमको हिस्ट्री जानना इसीलिए ज़रूरी होता है किसी प्लांट की कि हम उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का मीनिंग ये नहीं होता है कि हम अपने घर में बारिश करना शुरू कर दें, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट का पता चल जाता है किसी भी प्लांट की हिस्ट्री जान के। तो जैसे फिडेलिक फिग को हमारे रेन फॉरेस्ट से आया है तो ह्यूमिड और हॉट एटमॉस्फेयर पसंद होता है, तो हमको इसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए घर में जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी अच्छी हो, साथ में ब्राइटनेस हो। जैसा कि बारिश के बाद में जब धूप निकलती है तो खूब अच्छे से गर्मी हो जाती है, फिर बारिश हो जाती है, उसी तरह का एटमॉस्फेयर हमको अपने घर में अपने फिडेलिक फिग को प्रोवाइड करना है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि फिडेलिक फिग का हमको प्लेसमेंट अपने घर के कौन से एरिया में करना चाहिए। बेस्ट डायरेक्शन रहता है हमारे फिडेलिक फिग को प्लेस करने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वहाँ पे इसको प्रॉपर ब्राइटनेस और ह्यूमिडिटी एक साथ मिलती है। अगर आपके घर में कोई भी बड़ी विंडो हो या कोई एरिया ऐसा हो जहाँ पे आपको फिडेलिक फिग रख सकते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज़ द बेस्ट डायरेक्शन टू प्लेस योर प्लांट। वेस्ट डायरेक्शन के बाद में हम अपने फिडेलिक फिग को प्लेस कर सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में अगर मॉर्निंग की सनलाइट इस प्लांट को मिल रही है तो वो भी इसके लिए अच्छी रहती है। बस ये ध्यान रखिए कि डायरेक्ट सनलाइट प्लांट के ऊपर ना आए, इनडायरेक्ट सनलाइट प्लांट के ऊपर आए और वो एरिया ब्राइट हो। अवॉइड कीजिए नॉर्दर्न एक्सपोजर के, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया जनरली डार्कनेस रहती है वहाँ पे और प्रॉपर सनलाइट या ब्राइटनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से इस प्लांट की लीव्स का फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं चलता है। और अगर आपको रखना पड़ रहा है नॉर्दर्न एरिया में अपने घर के प्लांट ये, तो रेगुलर इंटरवल्स पे किसी ब्राइट एरिया में साउथ वेस्ट या ईस्ट में इसको मूव करते रहिए, जिससे कि ये प्लांट अच्छे से आपका हेल्दी रहे और इसका फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली चलता रहे। अब हम देख लेते हैं हमारे फिडेलिक के अंदर हमको वाटरिंग के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। और प्लांट्स की तरह जैसे हम रेगुलर इंटरवल बना लेते हैं पानी डालने का, फिडेलिक फिग में हमको चेक करना रहता है अपने एरिया के अकॉर्डिंग कि हमको कितने दिनों में हमको प्लांट में पानी डालने की ज़रूरत है। हम सॉइल को चेक करके ही पानी डालिए। ऊपर की टॉप 2-3 और लेयर्स जब तक ड्राई ना हो जाएं तब तक आप प्लांट के अंदर पानी मत डालिए, वो आप अपने फिंगर्स से चेक कर सकते हैं। ये देखिए अभी जैसे आपको शो हो रहा होगा, ये मेरे हाथ में सॉइल स्टिक होके आ रही है, इट मीन्स इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आप इसमें 2 दिन में पानी डालिए या 4 दिन में डालिए, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, कौन से एरिया में आप रहते हैं, तो ये आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि आपकी प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट कब है, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग की वजह से भी प्लांट ख़राब हो जाता है और अंडर वाटरिंग की वजह से भी ख़राब हो जाता है। और जैसे जब आपने प्लांट अपना ये लगाया है उस समय ये भी ध्यान रखिए कि अगर कुछ टाइम में इसकी सॉइल को कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए। आपने जैसे चेक कर लिया कि ऊपर की टॉप 3 लेयर्स तो सूखी हुई हैं और नीचे की लेकिन गीली हैं, अगर आप उसमें फिर वापस से पानी डालेंगे तो वो नीचे की लेयर तो गीली ही रहेंगी, ऊपर की खाली सूख रही हैं, तो वो भी रूट रॉटिंग उससे स्टार्ट हो सकती है। तो ये आपको रिक्वायरमेंट अपने प्लांट का अपने घर के अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ेगा कि 4 दिन में पानी डालना है कि 6 दिन में डालना है कि 10 दिन में डालना है। एंड फिडेलिक फिग लाइक्स कंसिस्टेंसी। जो भी आपने एक रूटीन बना लिया है प्लांट में पानी डालने का, जैसे 5 डेज में एक बार डालने का बनाया है, तो कोशिश करिए कि 5 डेज में ही वापस से आप इसके अंदर पानी डालिए। कि सॉइल में हमेशा ये भी ध्यान रखिए
कि जैसे मैंने आपको बताया वाटरिंग के टाइम आपको इसकी टॉप लेयर्स का ध्यान रखना है कि सूख गई उसके बाद ही पानी डालना है। उसी के लिए बीच बीच में आप इसकी सॉइल को इस तरह से रोटेट करते रहिए जिससे कि नीचे की सॉइल भी प्रॉपर एयर के एक्सपोजर में आती रहे और ये प्लांट की मिट्टी फ्रेश बनी रहे। ये मैंने देखिए ड्राई लीफ भी इसमें डाली हुई है मैन्योर बनाने के लिए। ये अब मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ ये नीचे की लेयर्स भी आप रोटेट करते रहेंगे तो सॉइल हेल्दी रहेगी हमारे प्लांट की। हमको पॉइंट याद रखना चाहिए अपने प्लांट की फिडल लीफिक की, जो भी हमने प्लांटर लिया है अपने प्लांट के लिए उसके ड्रेनेज होल हमेशा चेक कर लेने चाहिए कि वो प्रॉपरली ओपन है कि नहीं, क्योंकि पानी अगर इस प्लांट में रुक गया आपने जब पानी डाला है तो वो प्लांट को ख़राब कर देगा, रूट रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लांटर के होल जैसे आप ये देख रहे होंगे हमेशा खुले रहने चाहिए और पानी किस तरह डालना है वो भी मैं आपको अभी शो कर देती हूँ। अभी अपना रूटीन बनाया हो कितने दिन में पानी डालना है उसमें आप प्लांट में पानी इस तरह से डालिए, साइड से डाला करिए एक तो प्लांट्स में पानी जिससे कि साइड की मिट्टी भी गीली हो जाए पूरी। लुक इस तरह से पानी पूरा ड्रेन होल्स के थ्रू प्लांट का आ जाना चाहिए प्लेट के अंदर जिससे कि पानी ठहरे नहीं हमारे प्लांट का सॉइल के अंदर और इस प्लांट्स की रूट रॉट ना हो। फिट की सॉइल हमको किस तरह की रखनी चाहिए, गार्डन सॉइल के साथ में हमेशा कोकोपीट ऐड करके रखिए और परलाइट ऐड कर सकते हैं तो परलाइट ऐड करना बेस्ट रहता है, परलाइट नहीं है तो सैंड भी ऐड कर सकते हैं। ये सब हम इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि हमारी सॉइल के अंदर पानी कभी भी हो रुके नहीं। साथ ही में अगर हमको इसकी फर्टिलाइजिंग करनी है तो उसके लिए हमको साल में दो बार प्रॉपरली इसको फर्टिलाइज करना चाहिए, काउडंग मैन्योर से कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट से कर सकते हैं मार्च और अक्टूबर के मंथ में। बेस्ट कंपोजिशन इस प्लांट की सॉइल के लिए रहता है 50% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 10% परलाइट और 10% आप कोई भी कंपोस्ट जो आप यूज़ करते हो वो इस प्लांट में ऐड कर दीजिए तो आपका प्लांट अच्छे से चलता रहेगा। अगला हमको ध्यान रखना चाहिए अपने प्लांट की रिपोर्टिंग का, रिपोर्टिंग तब तक नहीं करनी चाहिए प्लांट की जब तक कि वो रूट बाउंड ना हो जाए। रूट बाउंड मीन्स आप जब चेक करें प्लांट की नीचे से रूट्स दिखने शुरू हो जाती है या कई बार ऊपर भी दिखने शुरू हो जाती हैं तब तक वो प्लांट उस पॉट में या कंटेनर में इजीली सर्वाइव करता रहता है, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। फिडल लीफ फिग में भी जनरली हमको 2 या 3 इयर्स में एक बार प्लांटर चेंज करने की ज़रूरत होती है, वो भी जो आपका ये वाला प्लांटर है जैसे अगर ये 8 इंच का प्लांटर है तो नेक्स्ट अगर आप जो प्लांटर लेंगे वो 10 या 11 इंच से ज़्यादा मत लीजिए। अब मैं बता देती हूँ कॉमन प्रॉब्लम्स जो फिडल लीफ फिग में हम फेस करते हैं, वो होती हैं सबसे ज़्यादा ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की वजह से, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर आप प्लांट की ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो कई बार लीव्स के बीच में ब्राउन पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, लीव्स ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, और अगर अंडर वाटर है प्लांट तो साइड से लीव्स येलो होना शुरू हो जाती हैं, ब्राउन स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो पूरी लीफ ख़राब हो जाती है और झड़ के गिर जाती है। मेजर यही दो प्रॉब्लम्स इस प्लांट में फेस करते हैं। बाकी अगर कभी जैसे इनसफिशियंट लाइट मिल रही है प्लांट को तो इसका फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं चलेगा तो लीव्स डाउन होके ड्रूप होके येलो होके गिरना शुरू हो जाएंगी। तो फिडल लीफ फिग की ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे भी सभी प्लांट्स में होता है लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट पूरा एक इसका स्टेम चलता रहता है तो जिस साइड में लाइट आ रही होती है ये उस साइड में टिल्ट होता जाता है। कैमरे में आपको शायद नहीं पता चल रहा हो लेकिन ये मेरा प्लांट भी मैंने कुछ दिनों से मूव नहीं किया है तो एक साइड में ये टिल्ट होना शुरू हो गया है। तो रेगुलर इंटरवल्स पे आप ये प्लांटर को मूव करते रहेंगे लाइक दिस तो ये प्लांट आपका स्ट्रेट ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। लीव्स हमेशा फिडल लीफ फिग की ऊपर की तरफ ही आती हैं, साइड में ब्रांचेज नहीं आती हैं जब तक आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे। अगर आपको इसकी साइड में ग्रोथ चाहिए तो आपको ये ऊपर का स्टेम इसका कट करना पड़ेगा तभी साइड में ब्रांचेज आनी शुरू होंगी। और नीचे की लीव्स जैसे सूख गई हैं प्लांट की, जो पुरानी लीव्स हो जाती हैं वो धीरे धीरे सूखती जाती हैं तो ये मत सोचिए कि इसके साइड में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। जब तक आप प्लांट को ऊपर से कटिंग नहीं करेंगे साइड में कभी भी इस प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, सीधा स्ट्रेट ऊपर ही जाता जाता है। और लीव्स हमेशा इसकी दो के ग्रुप में आती हैं, आप देखिए जैसे ये नई लीफ आ रही है यहाँ पे इस वाले ग्रुप में और एक ये वाले ग्रुप में आ रही है। फिडल लीफ फिग को ह्यूमिडिटी पसंद है जैसा मैंने आपको बताया,
तो आपको अगर चाहते हैं ये प्लांट आपका अच्छे से खुश रहे तो आप इसको बीच बीच में मिस्ट करते रहिए किसी भी स्प्रे से, तो ये बहुत हैप्पी होता है क्योंकि एक तो इसकी लीव्स इतनी ब्रॉड होती हैं और इसको मिस्टिंग मिल जाती है तो ये बहुत खुशी से एक तरह से कहेंगे झूमने लग जाती हैं। आप डिफरेंस खुद ही नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से स्प्रे किया है जिस दिन अपने प्लांट के ऊपर तो वो बहुत हैप्पी दिखाई देता है। ह्यूज ब्रॉड ग्रीन लीव्स होने की वजह से ये प्लांट डस्ट भी बहुत जल्दी कैच कर लेता है। अपने प्लांट की लीव्स को शाइनियर और क्लीन करने के लिए आप ये कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। बेस में हाथ रख के, पीछे की लीफ पे साइड में हाथ रख के अपनी लीव्स को क्लीन कर लीजिए, आपका प्लांट खुश रहेगा और लीव्स भी चमचमाती भी रहेंगी और क्लीन करने की वजह से प्लांट की लीव्स का फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से चलता रहेगा तो प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आपने देखा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे अपने फिडेले फिग का तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, आप इंडोर इसको प्लेस कर सकते हैं और ये देखने में भी इतना खूबसूरत है, आप कहीं पे भी इसको लगाएंगे ये बहुत ही प्यारा लगता है। चाहे आप इसको अपने लिविंग रूम में रखिए, चाहे आप अपने इसको बेडरूम में रखिए, चाहे आप अपने इसको किसी कॉर्नर में प्लेस कर दीजिए, ये प्लांट हमेशा अच्छा ही लगता है। अच्छा लगने के साथ में इस बेनिफिट ये होता है कि ये ह्यूमिडिटी लवर है तो आपके घर की ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, साथ ही में एयर प्योरीफायर तो सारे प्लांट्स होते ही हैं मैक्सिमम। मैंने बहुत टाइम बाद में एक प्लांट रिलेटेड वीडियो बनाया है, वो भी एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था क्योंकि जो लोग मेरे चैनल पे प्लांट रिलेटेड वीडियो देखते थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल आप प्लांट रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस प्लांट से रिलेटेड भी आपको कोई और मेंटेनेंस टिप या कुछ आप जानना चाहते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आप प्लांट रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई हुई है, प्लांटेशन सीरीज़, वो आप एंड स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, या मैंने अपने घर पे कौन कौन से प्लांट्स लगाए हुए हैं वो आप मेरे प्लांट टूर में चेक कर सकते हैं, एंड स्क्रीन पे आपको इन दोनों का लिंक मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हैप्पी प्लांटेशन।